Assalamu alaikum everyone. I hope everyone is doing great. Aisha Farooq here. Today I'm going to present the presentation. And today I will explain about the opportunity. And also we're going to chit-chat because this presentation, it's not a very formal presentation. Ke jisme sirf main bolti jaungi aur aap sunte jayenge, not at all. I just want के मैं आप लोगों से भी आप लोगों का concern, आप लोगों की जो चीजें जिनके बेस पे you are here and what you want to achieve in your life, आपका goal क्या है, आप क्या achieve करना चाहते हैं, आप किस hope के साथ इस presentation को attend करने आए हैं, आप क्या अपनी life में जो है वो करना चाह रहे हैं जिसकी वजह से आप ये इस बिजनेस का पार्ट बनना चाहते हैं, उससे रिलेटेड हम जो है वो चीजें मैं आप लोगों से पूछूंगी और लाजम आप लोगों ने मुझे चैट बॉक्स में बताना है, ठीक है, कि बेसिकली जब आप वो कहते हैं ना कि खामोश रहने से अच्छा होता है कि आप चीजों को बोल दो, आप चीजों को जो है वो हेड टू माउथ वाली चीज जो है वो करते हैं कि आपके दिमाग में जो चीजें हैं उनको आप जरूर अपने माउथ तक लेके आए, जरूर उनको जो है बाहर निकालें। अगर आप अपने माइंड में ही एक इमेजिनरी वर्ल्ड के अंदर रहना शुरू कर देते हैं और बड़े बड़े ख्वाब जो है बनाना शुरू कर देते हैं, बहुत बड़ा बड़ा सोचते हैं, तो जब तक आप उसको अपने जबान पे नहीं लाएंगे, जब उन चीजों को प्रैक्टिकली नहीं करेंगे, जब तक आप उन चीजों को अचीव करने के लिए हार्ड वर्क नहीं करेंगे या प्रैक्टिकली किसी के पास जाएंगे नहीं कि ये मेरे माइंड में चल रहा है, ये मेरा ड्रीम है, आई वांट टू डू दिस थिंग, तो तब तक आपको एक जो है ना वो सॉस नहीं मिलता, एक जो है आपको रोड मैप नहीं मिलता जिस पे आप चढ़ के आपकी तरफ जा सकते हैं, उनको पूरा कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको किसी ना किसी से सपोर्ट लेनी पड़ती है ताकि कोई आपको एक दफा उस ट्रैक पे जो है वो चलने के लिए ले आए और आपको सपोर्ट कर दे कि आप ये रास्ता है इस पे जाएंगे तो आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं, आप अपनी जो डेस्टिनी है उस तक पहुंच सकते हैं। सो यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट करूंगी अभी मैं प्रेजेंटेशन और उसमें साथ साथ आप लोगों से बात भी करूंगी और कुछ चीजें आप लोगों से पूछना भी चाहूंगी कि आप लोग भी बताएं कि आप लोगों का क्या माइंडसेट है, आप क्या अचीव करना चाहते हो एंड आप अपनी लाइफ के लिए या अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए क्या कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट, इन बिटवीन जो है वो मैं चैट बॉक्स पे आप लोगों से चीजें पूछूंगी, मोस्ट आंसर, ओके। वी राइज बाय राइजिंग अदर्स, वी आर ईगल स्टार एंड आवर मिशन इज टू प्रोड्यूस मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। अक्रॉस द वर्ल्ड, वर्ल्ड क्यों चूज किया गया है, इसलिए कि जिस अपॉर्चुनिटी या जिस बिजनेस के लिए आप आए हैं, ये बिजनेस वी आर रनिंग इन 164 कंट्रीज, ठीक है, हम एक जगह पे बिजनेस ये रन नहीं कर रहे हैं, हम 164 कंट्रीज में अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, दैट्स वाई हम लाइक जहां जहां से भी लोग जो हैं दे वांट टू डू समथिंग और वो हमें अप्रोच करते हैं कि हमें भी इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनना है, सो वी आर सपोर्टिंग देम, दैट्स वाई वी आर producing entrepreneurs from across the world as well. So the reason behind it, यहाँ पे chat box में I would like to ask के let me see कि आप लोग chat box में मुझे answer कर सकते हैं, yes you guys can send me message, I'll see and मुझे बताइए कि आप जो है आपकी life में ऐसे क्या reason है, what is the reason behind it जिसके लिए आप यहाँ पे हो एंड जो जो चीज आप करना चाह रहे हो, जो आपकी बेसिक रीजन है, आई वांट टू नो अबाउट दैट, हरी अप क्विकली, आई वांट आंसर, कौन सी ऐसी बेसिक रीजन है जिसके लिए आप यहाँ पे हैं, कि सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, उसके बाद में अपना जो है अपनी तरफ से आप लोगों को थोड़ा सा कि मैं किस तरह से आपको गाइडलाइन दे सकती हूँ, मैं आपको आपका वाई जो है उसको रिकग्नाइज करने में किस तरह से सपोर्ट कर सकती हूँ, बिकॉज आपका वाई अगर क्लियर है तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए रेडी हो जाते हैं, यू कैन अचीव एवरीथिंग, बट अगर आपका वाई क्लियर नहीं है लाइफ के अंदर कि आपने वाई यू वॉन्ट टू डू दिस थिंग एंड हाउ टू डू दिस थिंग, वाई और हाउ एंड वेयर, ये तीनों चीजें अगर आपके पास क्लियर नहीं है, आपके साथ क्लियर नहीं है, तो आप किसी भी चीज तक रीच आउट करना, किसी भी चीज को अचीव करना, किसी भी चीज को हाथ डालना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, उसके लिए आपको लाइक ना आपका वाई क्लियर होगा, ना आपका हाउ क्लियर होगा,
ना आपका वेयर क्लियर होगा, आप इधर भी जाओगे, इधर भी पूछोगे, उधर भी पूछोगे, आप एक दिन के अंदर 50 लोगों से भी बिजनेस के बारे में पूछ लोगे, अपॉर्चुनिटी के बारे में पूछ लोगे। इवन दो कोई आपको अगर फ्री में भी कहता है कि आ जाओ मेरे लिए फ्री में भी काम करो, तो आप नहीं कर पाओगे कुछ भी। क्यों? क्योंकि आपकी चीजें क्लियर नहीं है। जब आपकी एक चीज क्लियर होती है आपके ऊपर ना, अब इसके लिए मैं एग्जाम्पल दूंगी आपको बिल्कुल एंड में, पर अभी जो है वो चैट बॉक्स में मैं पूछना चाहूंगी कि आपका क्या वाय है, Why are you here? Amar, okay, Amar क्या कह रहे हैं जी? गरीबी, okay, no job, competition, very true, very true. जो इंसान ये तीनों चीजें जिसको पता है, still, if he or she is confused कि मुझे किस तरह की अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनना है, ट्रस्ट मी कि वो दे आर जस्ट वेस्टिंग देयर टाइम, दे आर जस्ट वेस्टिंग देयर टाइम टू बी फाइनेंशली इंडिपेंडेंट। ओके, इसलिए यहाँ आया है। ओके, मेरे मेन पॉइंट इज स्ट्रगल एंड अचीव सम न्यू। स्ट्रगल से हाली आप अचीव नहीं करते, स्ट्रगल इज नथिंग। स्ट्रगल आप एक वो कहते हैं ना, कौन सा इंसान होता है जिसके हाथ भी नहीं होते, पैर भी नहीं होते, स्ट्रगल इंसान वो वाला कर रहा होता है जो लाचार होता है, जिसके हाथ पांव नहीं होते, वो इंसान स्ट्रगल करता है। हम स्ट्रगल नहीं करते, हम हार्ड वर्क करते हैं, हम स्मार्ट वर्क करते हैं। अल्लाह ताला ने हमें हाथ भी दिए हुए हैं, अल्लाह ताला ने हमें पैर भी दिए हुए हैं, हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हम स्ट्रगल नहीं करते, स्ट्रगल वो इंसान करता है जो कि लाचार होता है, स्ट्रगल वो इंसान करता है जो कि स्पेशल होता है, स्ट्रगल वो इंसान करता है जिसके पास नॉलेज नहीं होता, डिग्री नहीं होती, जिसके पास खाने को कुछ नहीं होता, वो बिल्कुल मुहताज ही होता है, बिल्कुल मुहताज। वो लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं बेसिकली, हम लोग स्ट्रगल नहीं कर सकते। अगर आपके पास मैट्रिक की डिग्री है, एफए की डिग्री है, अगर आपके पास जो है वो यूज करने के लिए टच मोबाइल है, अगर आप यहाँ पे जूम मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, तो आप अपना काम भी ऑनलाइन कर सकते हैं। आप हार्ड वर्क करके, अपना स्मार्ट वर्क करके, आप चीजें सीख के, यू कैन अचीव मैनी थिंग्स इन योर लाइफ। Want to earn more for my kids' education and especially fulfill their dreams. Inshallah. You will, Saira. Inshallah. To build a business to support myself and my family and to be able to achieve my dreams without being dependent on another person. Inshallah. Hira, you will achieve. Assalamu alaikum. I'm here in this business for a better life, for good income and to be independent. Inshallah. अब आगे जाके हम डिस्कस करेंगे आपके ये जो गोल हैं, इनको आपने अगर बनाया हुआ है तो इनको हम अचीव कैसे कर सकते हैं। वॉन्ट टू एक्सप्लोर माई पोटेंशियल, वट कैन आई डू फॉर माई सेल्फ स्पेशली फॉर एवर विल हेल्प मी आउट एज आई एम स्ट्रगलिंग फॉर माई वेट लॉस। वेट लॉस तो इंशाल्लाह हो जाएगा, डोंट वरी, वेट लॉस तो बहुत माइनस ही चीज़ है। आई वॉन्ट टू चेंज माई लाइफ स्टाइल एंड फुलफिल माई किड्स ड्रीम। इंशाल्लाह यू कैन फुलफिल। अगर आप मॉर्निंग में उठते हैं और मॉर्निंग में उठने के बाद आप अपने बच्चे की शक्ल देखते हैं और उसके ड्रीम को अपनी आईज के अंदर फीड कर लेते हैं, अपने ब्रेन के अंदर फीड कर लेते हैं, ट्रस्ट मी आप डेली बिजनेस पे एक चीज जो आपने करनी है, आप कभी भी उससे दूर नहीं रहेंगे। आप कहेंगे नो मैटर व्हाट आई विल अचीव दिस थिंग। अब हमने यहाँ पे जो है आपके वाई को क्लियर करने के लिए क्या चीजें हुई हैं कि हमारा बेसिकली देखिए, अभी आप लोगों ने जो रिस्पांस किए उसी से मिलती जुलती चीजें हैं कि हर इंसान की डिमांड जो है वो जैसी भी होगी एक राउंड सर्कल में आ जाके चीज वही होगी। व्हाट दे वांट, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, अपने अंदर लीडरशिप बिल्ड करना चाहते हैं, एक फेम चाहते हैं, अपना नाम अपनी पहचान चाहते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेवल्स करना चाहते हैं। ये पाकिस्तान के लोगों का तो ये बहुत बड़ा ड्रीम होता है कि वो इंटरनेशनल ट्रेवल्स करना चाहते हैं, बट ये कहते हैं हम तो घर नहीं चला सकते तो हम इंटरनेशनल ट्रेवल्स कहाँ से अफोर्ड करेंगे। पैसा मेजर 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 चीज क्या है आपके माइंड में, मनी, यू वॉन्ट मनी। आप अगर ये चीज सोचो कि आई जस्ट वॉन्ट मनी नो मैटर व्हाट, मुझे ये चीज करनी है, मुझे पैसा अर्न करना है अपने बच्चों के ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए, अपने ड्रीम्स को, अपने पेरेंट्स के, अपने हस्बैंड के, या जिस तरह से भी, अगर आपका गोल सिर्फ मनी होता है तो मनी तक पहुंचने के लिए आप जो एक प्रोसेस से गो थ्रू करते हैं उसमें सिर्फ आपको पैसा नहीं मिलता,
यू विल रियलाइज कि आपने क्या कुछ सीखा है, क्या आपकी लर्निंग हुई है उस प्रोसेस से गुजरने के बाद. डेफिनेटली हार्डवर्क करे बगैर कोई चीज नहीं मिलती. और आजकल तो लोगों का स्ट्रगल इतना लाइक स्ट्रगल, आप लोगों का लफ्ज सुन के ना, कन्विंस और स्ट्रगल, आई हेट बोथ वर्ड्स, ठीक है, ये दोनों मुझे पसंद नहीं है. तो आजकल जो लोगों का इतना जीना मुश्किल हुआ हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड, मैं यहाँ पे अपनी भी स्टोरी शेयर करना चाहूंगी कि आई एम वाइफ ऑफ अ पायलट, ठीक है, आई एम बेस्ड इन यू ई, I'm from Pakistan. I'm not here for the money. I'm part of this business from the past 1.5 year. ठीक है, मुझे 1.5 year हो गया इस business में आए हुए. मेरा जो personal goal था, I just want to develop myself. मैं groom करना चाहती थी, मैं बोलना चाहती थी, क्योंकि मैं socialize बिल्कुल नहीं थी, मैं social person बिल्कुल नहीं थी. I was so shy. मेरी personality उस तरह से enhance नहीं होती थी जिस तरह से मैं अपने आप को देखना चाहती थी. ठीक है, मेरे बच्चों का मेरे पे एक टैग लगा हुआ था कि मामा ऑल दी टाइम सोती रहती है या फिर थोड़ा बहुत काम कर लेती है, दैट्स इट मामा की लाइफ में. इवन एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड ने कहा कि वीकेंड आया तो उन्होंने आपस में, बच्चे और मेरे हस्बैंड आपस में बात कर रहे हैं, दे वर लाफिंग ऑन मी, और उन्होंने क्या कहा, मैं अपनी पर्सनल स्टोरी सुना रही हूँ, ठीक है, जो कि मेरी, मेरे लिए इंसान को जब शर्म आती है तो मेरे ख्याल में एक छोटे से पॉइंट पे भी उसको रियलाइज हो जाता है कि इंसान को अल्लाह ताला ने बेकार नहीं बनाया. ठीक है, चाहे आपके पास पैसा है, मैं इस टाइम पे मुझे पता है कि मैं कितना हार्डवर्क करती हूँ, चाहे मेरे पास जितना मर्जी पैसा है, बट स्टिल मैं अपने आप को डेवलप करने के लिए, ग्रूम करने के लिए, अपने आप को, अपनी टीम को आगे लेके जाने के लिए, आई एम वर्किंग सो मच हार्ड कि मेरे साथ आने वाले लोग जिनकी नीड और है उनको मैं सक्सेसफुल बना सकूं. तो उन्होंने क्या कहा कि मेरे हस्बैंड वीकेंड आया तो मेरे बच्चे और हस्बैंड आपस में बात करके कहते हैं कि हमारा तो वीकेंड स्टार्ट हो गया. ठीक है, तो मेरे बच्चे आगे से बोल के कहते हैं मामा का तो ऑल टाइम ही वीकेंड होता है, मामा का कौन सा कोई वीकेंड है, शी इज ऑल द टाइम फ्री, शी इज डूइंग नथिंग, शी इज फ्री एट होम. ये बात मुझे खा गई कि आई एम नॉट फ्री एट ऑल. यहाँ पे जितनी भी हाउस वाइफ्स हैं, दे नो वेरी वेल कि हम एक हाउस वाइफ कितना हार्डवर्क करती है अपने घर को चलाने के लिए, डिश वॉशिंग से लेके कपड़े धोने से लेके कपड़े प्रेस करने से लेके बच्चे को मॉर्निंग में स्कूल से उठाने के लेके उस लंच बॉक्स से लेके हस्बैंड का वेट करना, उसके लिए खाना बनाना, रात को खाना देना, पूरी हम एक जॉब कर रहे हैं, एक जॉब 9 to 5 भी नहीं 24 hours की जॉब कर रहे हैं. यू नीड टू रियलाइज दिस थिंग कि 24 hours की जॉब करके भी मैंने ये सुना कि हमारी मामा कुछ नहीं कर रही, शी इज फ्री, शी इज डूइंग नथिंग. अब जब मैं इस बिजनेस का पार्ट बनी हूँ, मैंने स्टार्ट में बहुत हार्डवर्क किया, कुछ टाइम लगा, आफ्टर 6 months मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को ये चीज रियलाइज हुआ कि शी हैज अ पोटेंशियल एंड शी इज एबल टू डू मैनी थिंग्स एंड शी इज अचीविंग मैनी थिंग्स इन हर लाइफ. नाउ I become millionaire. Trust me. मैंने कितने millions earn किए मैं खुद भी उनको count नहीं करती. क्यों? क्योंकि पैसा मेरा जो था, मेरा passion पैसा नहीं था. मेरा passion ये था कि मैं अपने आप को एक positivity की तरफ लेके जाऊं. कोविड का स्पेशली टाइम था, मैं अपने आप को एक बहुत अच्छी स्पीकर बनाना चाहती थी. मैं चाहती थी कि मैं लोगों की हेल्प करूं. मेरी तरह से जितनी भी हाउसवाइफ हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, दे वांट टू डू समथिंग, दे आर अनेबल टू डू समथिंग, आई कैन सपोर्ट देम. इवन मेरी टीम के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे मैंने पूरे जब अपॉर्चुनिटी में लेके आई थी तो उनके मतलब उस तरह से उनसे मैंने मनी भी नहीं लिए थे जब बिजनेस बॉक्स परचेज करना था, जस्ट टू सपोर्ट देम, मुझे जरूरत नहीं थी पैसे की. तो जो मैं, अगर मुझे जरूरत नहीं थी और मैं इतना हार्डवर्क कर रही हूँ, तो एक इंसान जिसकी जरूरत है पैसा, वो कहाँ तक हार्डवर्क कर सकता है? आई इवन कैन इमेजिन कि वो इंसान पैसे के लिए कितना हार्डवर्क कर सकता है. मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मैं इतना हार्डवर्क कर रही हूँ. तो जिसको जरूरत है वो बहुत हार्डवर्क कर सकता है और बहुत कुछ अचीव कर सकता है, मेरे से कहीं ज्यादा अचीव कर सकता है. You just need to realize कि आपने कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको चूज करना है और कौन सी ऐसा जो है पाथ है जिसपे आपने चढ़ना है और उसके बाद आपने अपनी डेस्टिनी तक जाना है. हार्डवर्क भी होता है, चीजें फेस भी करनी पड़ती हैं. ठीक है, बिजनेस में सबसे बड़ी जो चीज होती है वो रिस्क होता है. बिजनेस में आप हमेशा रिस्क लेते हैं. कोई भी इंसान बिजनेस में कहे कि मैं हमेशा सक्सेसफुल ही रहूंगा, ये नहीं होता. उतार चढ़ाव हर बिजनेसमैन की लाइफ में आते हैं, हर बिजनेस वूमेन की लाइफ में आते हैं.
लेकिन ये कि आप हर चीज से सीखते हो, हर चीज से सीखते हो, ठीक है, सीखना आपने बंद नहीं करना. यू वॉन्ट टू डेवलप योर सेल्फ लाइक मी, यू वॉन्ट टू बिकम अ हेल्थ कोच, आप लोगों को जो है वो लाइक आप चाहते हो कि आप लोगों को अच्छी हेल्थ के लिए गाइड करो, लोगों को जो है वो अच्छी हेल्थ के लिए टिप दे सको, या आपका एक पर्सनल होता है कि मैं, मुझे शौक है कि मैं हेल्थ के बारे में पढ़ूँ, मुझे हेल्थ के बारे में नॉलेज मिले, मैं लोगों से पूछूँ और उनको गाइड करूँ. तो इस बात पर लाइक इस बिजनेस के अंदर कोई एक चीज नहीं है जो आप कर सकते हैं. इस बिजनेस के अंदर यू हैव सो मैनी थिंग्स टू डू इफ यू वॉन्ट टू डू. आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाह रहे हैं, यू वॉन्ट टू सपोर्ट योर सिबलिंग्स, यू वॉन्ट टू सपोर्ट योर पेरेंट्स, यू वॉन्ट टू सपोर्ट योर हस्बैंड, यू वॉन्ट टू सपोर्ट योर किड्स, मैनी मैनी पीपल. जब आप किसी भी बिजनेस में जाते हो और इंडिपेंडेंट होते हो, सबसे पहले आप एक चीज रियलाइज करोगे जो कि मुझे भी रियलाइज हुई थी कि नाउ आई हैव मनी विद मी. मुझे कहीं पे भी कोई भी चीज चाहिए होती है, आई डोंट नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम एनीवन बिकॉज दीज मनीज आर माय मनी, मेरी प्रॉपर्टी है. आई डोंट नीड टू आस्क फ्रॉम एनीवन. आई वांट टू सेंड माय मदर, आई वांट टू सेंड माय ब्रदर, आई वांट टू सेंड माय सिस्टर. मैं अपनी माँ को हज करवाना चाहती हूँ, मैं अपने बच्चों को बहुत महंगी चीज देना चाहती हूँ, मैं खुद को बहुत महंगी चीज लेना चाहती हूँ. नोबडी कैन स्टॉप मी बिकॉज दिस इज माय हार्डवर्क और मेरा पैसा है ये. तो वो जो अब आप इतनी मेहनत करके जब उसको लगाते हो और सर्व करते हो इतने लोगों को, तो जो आपको सेटिस्फैक्शन होती है, ट्रस्ट मी कि अभी जो इंसान इस तरह स्टेबल नहीं है वो उस चीज को मेरे ख्याल में सिर्फ इमेजिन करता होगा. मैं आपको अपनी फीलिंग्स बता रही हूँ. अब हमारा क्या है कि एक पेरेंट्स जो होते हैं ना, ये मुझे अभी तक ये चीज समझ नहीं आई, ठीक है. मैं बहुत सारे लोगों से पूछती हूँ कि मुझे बताओ कि एक बच्चा जब पैदा होता है, पहली क्लास में जाना शुरू करता है, वहां से लेके एंड तक डिग्री लेने तक पेरेंट्स का एक बचपन में उन्होंने गोल बना दिया होता है बच्चे का कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है तुमने, या तुमने पायलट बनना है, या ये बनना है या वो बनना है, वो डिसाइड कर लेते हैं. और एक लाइक 20 साल एक बच्चे की लाइफ उसी चीज को, उसी गोल को अचीव करने में गुजर जाती है और पेरेंट्स उस पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं कि ये बच्चा कल को इस तरह से बनेगा तो हमारा बुढ़ापे का सहारा होगा. वो बेसिकली अपना उनका एक गोल होता है कि जितना अच्छा अर्न करेगा कल को हमारा बुढ़ापा उतना ही अच्छा गुजरेगा. कभी किसी ने, पेरेंट्स ने ये नहीं कहा कि तुम पढ़ लिख जाओगे, तुम्हारे पास फ्रीडम है कि तुम अपना बिजनेस करना चाहो या जॉब करना चाहो. अगर तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी तो तुमने बेटा हार नहीं माननी, या तुमने 5 साल के लिए जॉब के इंतजार में नहीं बैठना, या तुमने जॉब के लिए जगह जगह इंटरव्यूज नहीं देने. डोंट वेस्ट योर टाइम. आपके पास स्किल्स होंगी, आपके पास एनर्जी होगी, आपके पास आपकी डिग्री होगी. यू कैन यूज, यू कैन यूटिलाइज दैट डिग्री एंड यू ऑल्सो कैन बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेस मैन और बिजनेस वूमन. ये चीज पेरेंट्स नहीं बताते बच्चों को, जिसकी वजह से एक बच्चा हमेशा जॉब पे फोकसफुली रहता है कि मुझे जॉब ही करनी, उसका फोकस ही जॉब पे होता है. बिजनेस की तरफ तो वो चाहते ही नहीं है. ये तो अभी पेंडेमिक का टाइम आया और लोगों को रियलाइज हुआ है कि जॉब की तो कोई सिक्योरिटी नहीं है. आप एक गधे की तरह काम करते हो, आप अपना माइंड यूज नहीं कर सकते, बॉस की डायरेक्शन पे आप चलते हो, आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती, आपके पास कोई फ्रीडम नहीं होती. आप लंच का टाइम होता है, आई हैव डन जॉब, लंच का टाइम होता है, आप एक मिनट ऊपर नीचे नहीं होता. लंच ब्रेक हुई, आप गए स्कूल के बच्चों की तरह, वही रूटीन आपकी होती है जो कि सारी उम्र से आप स्कूल पढ़ते हुए अपनी रूटीन फॉलो करते हैं. जॉब करते हुए भी वही रूटीन आप फॉलो करते हैं. यू डोंट हैव फ्रीडम टू इवन गो लाइक आप बाहर जाके लंच करने चले जाओ, एक घंटे के बजाय 2 घंटे के लिए लंच पे चले जाओ. यू डोंट हैव फ्रीडम. यू नीड टू आस्क समवन, यू नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम समवन, देन आप जॉब करते हुए कहीं बाहर जा सकते हैं. छुट्टी के लिए हॉलीडेज कहीं जाना चाह रहे हैं, आपका कोई घर में बीमार हो गया, आपकी खुद की तबीयत ठीक नहीं है, आपको कितना बड़ा एक प्रेशर माइंड के साथ होके एक मैसेज ड्रॉप करना होता है और उसके बाद आपकी सांस खुशक होते हैं कि हमें छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, बॉस क्या कहेगा, क्या रिएक्शन होगा. ये चीजें क्या आपको नहीं लगता कि सारी उम्र क्या इसी चीज में इंसान ने जिंदगी गुजार देनी है. तो पेंडेमिक के टाइम में लोगों को रियलाइज हुआ है कि जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है. एक बिजनेस ऐसी चीज है जिसका एक सीड आपने लगा दिया है ना, तो उसको जितना पानी दोगे, जितनी खुराक दोगे, उतना ग्रो करेगा, उतना ग्रो करेगा. और एक दिन आएगा कि आपका पूरा सिस्टम, जब पूरा एक ट्री जनरेट हो जाता है,
तो फिर आपको उस तरह से उस लेवल की मेहनत नहीं करनी पड़ती, फिर आप सिर्फ फल खाते हैं। जैसे कि आम का दरख्त जो है वो बड़ा होने में 5 साल लेता है, गंदम जो होती है वो 4 महीने में हो जाती है, लेकिन वो ये हतम खाई पी इस तरह से होता है, उसको दोबारा से आपको दोबारा दोबारा अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन उस पर मेहनत करनी पड़ती है, अगेन एंड अगेन उसको लगाना पड़ता है। लेकिन आम का दरख्त ऐसा होता है जो कि 5 साल उस पर स्ट्रगल करनी पड़ती है, हार्डवर्क करना पड़ता है, ठीक है, उसको पानी देना, उसका ख्याल रखना, उसको प्रॉपरली खुराक देनी, लेकिन 5 साल के बाद वो 200 साल तक भी खड़ा रहेगा और आपको फ्रूट देता रहेगा। सिर्फ ये माइंडसेट हमारा चेंज करने की कोशिश है। बिजनेस में हर तरह की फ्रीडम होती है, जॉब में फ्रीडम नहीं होती। आई एम पार्ट ऑफ फॉरएवर लिविंग कंपनी, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, इट्स ऑल ओवर अ कंपनी, ठीक है, वेयर ऑर्डिनरी पीपल अचीव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स। वी डोंट नीड योर डिग्री, वी डोंट नीड कि आपको अंग्रेजी आती है नहीं आती है, वी डोंट नीड कि आपका बैकग्राउंड क्या है, हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। वी जस्ट वॉन्ट टू सपोर्ट ह्यूमन बींग्स। हम सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि एक ह्यूमन बींग हमारे पास आया है और उनका ड्रीम ये है, वो ये अचीव करना चाहते हैं, हम कहाँ तक सपोर्ट कर सकते हैं। मेरी तो लाइफ का यही मोटो है कि मैं किसको कहाँ तक सपोर्ट कर सकती हूँ कि वो मेरे मेरे थ्रू से या मेरे रेफरेंस से आगे जाएगा, तो मैं कितनी दुआएं। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि मैं बिजनेस में, मैं प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत चीजें ऐसी करती हूँ। मेरा बेसिक क्या होता है कि इंसान ने जिंदा नहीं रहना, वही चीज उसके काम आनी है जो कि वो पीछे छोड़ जाएगा अच्छे उमाल, ठीक है। तो मेरा यही होता है कि मैं किसी को इस काबिल बना दूं कि वो अगर मैं नहीं भी हूं, मेरे बाद भी वो काम करे, तो मुझे अपने अल्फाज अच्छे अल्फाज में याद रखे। सो इट्स अ टॉप 10 कंपनी, ठीक है, ये मल्टीनेशनल कंपनी है, यूएसए बेस्ड कंपनी है, ये कोई ऐसे लाइक नहीं है कि आप किसी भी आम कंपनी का पार्ट बनने जा रहे हैं। यू कैन सर्च ऑन गूगल यूट्यूब के व्हाट इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। अनकैप्ड इनकम है इसकी, कोई लिमिट नहीं है कि आपने 1,000, 2,000, 3,000 आपने अर्न करना है, कोई लिमिट नहीं है। वट एवर यू वॉन्ट टू अर्न यू कैन अर्न, ठीक है, जितना चाहे। मिनिमम जो है आपका वो 50,000 और मैक्सिमम 20-25 लाख तक इस बिजनेस में 1 महीने के अंदर रन कर सकते हैं, ठीक है। टोटली फ्रीडम होती है। अगर आपको टाइम का इशू है, आप जॉब पे नहीं जाना चाहते या जाने चाहते, आप कहते हो कि आप अपनी फैमिली को टाइम दो, लड़कियां स्पेशली कहती है कि अपने बच्चों को टाइम दें, दे या डॉक्टर, स्टिल उनको घर पे बैठना पड़ता है कि वो अपने बच्चों को नैनीज के पास नहीं छोड़ सकते, मेड के पास नहीं छोड़ सकती, तो वो अपना ब्रेन, अपनी डिग्री, अपना माइंड, अपनी एनर्जी, सब कुछ वेस्ट कर रही होती है। तो ये बेसिकली वो भी दे कैन बिकम पार्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी कि वो अपना वो टाइम जो जस्ट वो लोगों को स्क्रॉल करके देखने में और डिप्रेशन में और ड्रामे देखने में वेस्ट कर रही हैं, इस कंपनी को ज्वाइन करने के बाद दे आल्सो कैन लाइक रीच समवेयर। सो इसके लिए यह है कि आपने प्रोडक्ट्स हमारे जितने भी हैं, इनकी क्वालिटी इतनी सुपीरियर है कि हमारी कंपनी 30-60 डेज का मनी बैक गारंटी देती है कि अगर आपको प्रोडक्ट सूट नहीं करता और आप चाहते हो कि मुझे प्रोडक्ट जो है वो सूट नहीं किया या मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं चेंज करना चाहता हूँ, यू कैन चेंज योर रिटर्न, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, आप इसको पार्ट टाइम करोगे तो पार्ट टाइम इनकम जनरेट करोगे, फुल टाइम करोगे तो फुल टाइम इनकम जनरेट करोगे, ठीक है। ये तो लेने का देना है ना, जितनी आप मेहनत करते हो बिजनेस में उतना आप आगे जाते हो, बट स्टार्ट में यू नीड टू पुट इन हार्ड वर्क। 164 कंट्रीज में हो चुका है, इतनी रैपिड इसकी ग्रोइंग कंपनी है कि लाइक 1978 में बनी थी, 43 या 44 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन ये देखिए कितने सालों के अंदर इस कंपनी के ऑफिसेज 164 कंट्रीज के अंदर हैं। लाइक जैसे मैं यूएई में हूँ, तो यूएई में इसकी 4 प्रोडक्ट सेंटर हैं, 4 जगह पे इसकी ब्रांचेस हैं। इसी तरह से हर कंट्री के अंदर एक ब्रांच नहीं है, हर कंट्री के अंदर इनकी 4-4, 5-5 ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो इतना अगर कोई कंपनी ग्रो ना हो रही हो, इनकम जनरेट ना कर रही हो, इतने बिलियंस की तादाद में लोग इसके साथ हैं, तो अगर वो ना हो कंपनी का एक लाइक स्कोप ही ना हो उसके अंदर, तो वो कंपनी कैसे इतनी पूरी दुनिया में कवरेज ले सकती है। सो पूरी दुनिया में आप बिजनेस करने जा रहे हैं इसका, आप सिर्फ एक पाकिस्तान में नहीं, हर पूरी दुनिया की करेंसी में आप अर्न करते हैं। सिर्फ यू नीड टू मार्केट एवरीथिंग, ठीक है, मार्केटिंग करनी आपको आनी चाहिए कि आपने करना क्या है बेसिकली।
हलाल प्रोडक्ट्स हैं हमारे, सर्टिफाइड हैं फ्रॉम यूके एंड यूएसए की लेबोरेटरी से. ये जो आपको साइन सर्टिफाइड का नजर आ रहा है, ये हमारे हर प्रोडक्ट के ऊपर लगा हुआ है. ये साइंटिफिकली अप्रूव्ड है यूके और यूएसए की लेबोरेटरी से, इनमें केमिकल्स नहीं है, दे आर ऑल नेचुरल. ठीक है, बेस्ट क्वालिटी है. जिस प्रोडक्ट के ऊपर क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं है, जिस प्रोडक्ट की क्वालिटी हमारे मेयार के मुताबिक नहीं होती, कंपनी उसको अप्रूव ही नहीं करती. ठीक है, इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है. हम लोग पूरी दुनिया के अंदर इस कंपनी के अंदर 2 ट्रेवल आपको दिए जाते हैं एक साल के अंदर. अगर आप उसके लेवल्स को अचीव करते हो तो पूरी दुनिया में इस टाइम मेरे ख्याल में हर कंट्री को ये हर एक साल के अंदर 2 कंट्रीज चूज करते हैं और उनमें फ्री ट्रेवल आपको जो है वो देते हैं. तो आप एक लिहाज से पूरी दुनिया फिर सकते हैं इनके साथ. ठीक है, फ्रीडम ऑलरेडी वी हैव डिस्कस. ठीक है, कंट्रोल ऑफ योर ओन बिजनेस, आपका अपना बिजनेस होता है, ना कोई आपका बॉस है, ना आपकी कमांड किसी के हाथ में है, ना आपको किसी के लिए किसी से सिक लीव लेने की जरूरत है, ना आपका कोई फिक्स्ड टाइम है, ना आपने सुबह सुबह रश में उठ के जाना है कि लेट ना हो जाऊं, ना आपने अलार्म्स पे उठना है. आपकी अपनी लाइफ, अपना बिजनेस, अपनी फ्रीडम, ईच एंड एवरीथिंग इज योर्स. जैसे ही आप इस कंपनी का पार्ट बनते हो, पार्ट बनते के साथ ही 2 आवर्स में आपको बिजनेस हैंड ओवर कर दिया जाता है, आपका पेज, आपके वेबसाइट, ईच एंड एवरीथिंग. ठीक है, उसके बाद ये आपका बिजनेस होता है. आपने हेल्प लेनी है, आपने सपोर्ट लेनी है ट्रेनिंग से, टीम से. ठीक है, हर किसी से आपने सपोर्ट लेके अपना रास्ता आपने खुद बनाना होता है कि मुझे ये चीजें समझ आ गई हैं और मुझे इस ट्रैक को पकड़ना है और यही ट्रैक मुझे मेरी मंजिल तक लेके जा सकता है. एंड वी सपोर्ट यू कि आप किस तरह से उस ट्रैक के ऊपर जाएंगे. ठीक है, उसके लिए हम आपको गाइड करते हैं जब आपका गोल क्लियर होता है. इस कंपनी के अंदर सारा बिजनेस ऑनलाइन है. आपने कहीं जाके मार्केटिंग नहीं करनी, आपने डोर टू डोर सेलर नहीं बनना, आपने कहीं भी जाके जो है वो जगह जगह ब्रोशर नहीं देने के ये मेरी कंपनी है, ये मैं हूँ, प्लीज मेरे से चीज परचेज कर लो. दिस इज ऑनलाइन भाई, ये ऑनलाइन का ट्रेंड है. चेंज योर सेल्फ, ट्रेंड के मुताबिक खुद को चेंज करो. अगर चेंज नहीं करोगे तो ट्रेंड आपको चेंज कर देगा और आप उस भीड़ में इतना पीछे रह जाओगे कि कभी भी उस ट्रेंड में नहीं आ पाओगे. चेयरमैन बोनस से लेके जो कि कंपनी का जितना भी टर्नओवर होता है एक साल का, जो आई थिंक 4+ बिलियन हो चुका है, गूगल पे आप सर्च करेंगे तो नजर आएगा, तो उसका 1% अपने सारे एम्प्लॉयज के साथ ये शेयर करते हैं. ठीक है, जो कि हजारों में, हजारों लाखों करोड़ों में डॉलर्स होते हैं. कार प्लान आप अचीव कर सकते हैं जिसमें कंपनी आपको 3 साल के अंदर जो है इंस्टॉलमेंट्स देती है. ठीक है, और आप जो है वो अपनी जो कार लेवल है उसको अचीव करने के बाद जो है वो थ्री इयर्स तक कंपनी आपको एवरी मंथ जो है 62 से 63,000 पाकिस्तानी 1500 दिरहम जो है वो पे करती रहती है. इंटरनेशनल टू ट्रेवल्स होते हैं जैसे मैंने आपको बताया है कि उससे लेके आपके रहने से लेके आपके खाने से लेके आपके जो है वो ट्रांसपोर्ट से लेके आपने किधर जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ कंपनी की तरफ से डिजाइंड होता है. ठीक है, और वो डिजाइन जो है वो उसके साथ आप ट्रेवल करते हैं और चीजों को देखते हैं और आप जो है वो इंजॉय करते हैं. ठीक है, तो अभी जैसे अभी आज के हमारे जो ग्लोबल रैली, इस साल की हमारी ग्लोबल रैली है, सॉरी मेरी स्क्रीन जो थी वो खराब हो गई थी जिसके लिए मैं इंटरप्ट हो गई. इस साल की हमारी जो ग्लोबल रैली है वो यूएई में आ रही है. तो इस कंपनी में कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि आपको नहीं मिलती. अब चैट बॉक्स में मुझे बताएं कि कितने लोग हैं जिनको डाउट. डेफिनेटली ये तो एक नेचुरल फिनोमेना है कि डाउट तो सबसे पहले है, नेगेटिविटी तो सबसे पहले है, बाद में कोई चीज देखी जाएगी. हर किसी के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि विल इट वर्क फॉर मी और नॉट. यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताती हूँ कि एक पुअर का जो बच्चा होता है, जो इंसान, जो बच्चा अपने पेरेंट्स को स्ट्रगल करते हुए देखता है कि वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो इधर बर्तन धो, उधर पौधे लगा, उधर उसके घर में काम कर, उसकी ड्राइवरी कर, उसके घर में ये कर, इतने लोगों के ताने सुनते हैं, इतने लोगों से डांट सुनते हैं, उस घर में जो बच्चा ये चीजें देख रहा होता है और वो एनालाइज कर रहा होता है और वो अपना माइंड बनाता है कि मैंने एक दिन अपने आप को इस काबिल बनाना है कि मैं, मेरे पेरेंट्स मेरे पे प्राउड फील करें, या मैं इस तरह से नहीं रह सकता कि मैं भी लोगों की तरह जो है वो ड्राइवर बनूं या बर्तन धोऊं लोगों के या डांट खाऊं, मैं इस तरह की लाइफ नहीं जीना चाहता. और वो अपना एक गोल बना लेता है कि मुझे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है, इतना सक्सेसफुल होना है कि लोग मुझे देखेंगे और मेरे पेरेंट्स मेरे पे प्राउड फील करेंगे. यहाँ पे थाउजेंड्स की तादाद में आपको ऐसी स्टोरियां देखने को मिलेंगी और वो बच्चे सक्सेसफुल होते हैं.
उनका पाकिस्तान में नाम हो या बाहर नाम हो, वो कहीं ना कहीं जरूर एग्जिस्ट करते हैं. वो मोमेंट अपने पे जरूर लेके आते हैं जहाँ पे उनके पेरेंट्स उन पर प्राउड फील करते हैं. सीएसएस करते हैं तो उसमें वो टॉप पोजीशन लेते हैं. क्यों क्यों? क्योंकि उनके माइंड में एक ही गोल होता है कि मैंने वो लाइफ नहीं गुजारनी जो कि मेरे पेरेंट्स गुजार रहे हैं. मुझे वो लाइफ नहीं गुजारनी जिससे ये गो थ्रू कर रहे हैं. मैं ऐसी जिंदगी में नहीं रहना चाहता. वो चेंज चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर. तो जब आप कुछ चेंज अपनी लाइफ के अंदर सोच लेते हो तो वो चेंज फिर आपने ही लाना होता है. कोई प्लेटफॉर्म दुनिया का किसी भी जगह पे चले जाओ, आपको पकड़ के हाथ कोई इंसान सक्सेसफुल नहीं कर सकता जब तक आप अपने माइंड में ये चीजें नहीं बिठा लेते कि मेरा ये गोल है, मुझे ये करना ही करना है. यू कैन डू एवरीथिंग, ट्रस्ट मी. आप अपने माइंड में एक दफा सेट कर लो उसको कि मैं ये करूंगा ही करूंगा. मुझे अपने पेरेंट्स से सेपरेट जिंदगी गुजारनी है. मैं अगर गरीब घर में हुआ हूं तो मेरा ये कसूर नहीं था, लेकिन मैं अगर मैं उसी तरह गुर्बत में ही रह जाऊंगा तो वो आपका कसूर है. क्योंकि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, एक इंसान आपको गाइड कर रहा है. कंपनी के इतना बड़ा रेशियो है, कंपनी का इतना बड़ा स्कोप है, उसके अंदर आके ऐसे गरीब इंसान भी मिलियनर बने हैं जो कि इवन इमेजिन भी नहीं कर सकते थे. कोई बड़ी डिग्री नहीं है, कोई उनका बैकग्राउंड नहीं है. आज वो मर्सिडीज में घूम रहे हैं, आज वो बड़े बड़े घर बना के बैठ गए. क्यों क्यों? उनके माइंड में एक ही चीज थी कि मुझे ये करना ही करना है, मुझे गुर्बत में नहीं रहना, मुझे सबसे डिफरेंट होना है, मैंने कुछ ऐसा लाइफ में करना है कि मुझे लोग जाने और पहचाने. तो जब ये आप सोच लेते हैं तो फिर नेगेटिविटी दूर दूर तक आपका कुछ नहीं कर सकती. कोई प्लेटफॉर्म, कोई जगह, किसी भी जगह पे एक मेहनती इंसान जो हार्डवर्क करने वाला इंसान होता है, जिसका गोल क्लियर होता है, जिसका विजन क्लियर होता है, उसको कहीं पे भी खड़ा कर दोगे वो सक्सेसफुल हो जाएगा. क्यों? क्योंकि उसका माइंड सेट है, वो अपने ट्रैक को फॉलो करता है, वो अपने गोल को देखता है, वो इधर राइट लेफ्ट नहीं देखता. सो नेटवर्किंग, हम जो है वो नेटवर्किंग का पार्ट है. नेटवर्किंग एक ऐसी चीज है कि जो पूरी दुनिया में इस टाइम पे नेटवर्किंग सबसे सक्सेसफुल बिजनेस जा रहा है. ठीक है, सबसे सक्सेसफुल बिजनेस इस टाइम पे नेटवर्किंग का जा रहा है, क्योंकि सारी दुनिया जिस टाइम पे बैठ गई थी उस टाइम पे नेटवर्किंग का स्कोप सबसे हाई था. सबसे पैसा जो जनरेट किया है नेटवर्किंग वालों ने जनरेट किया है, तो हम नेटवर्किंग का पार्ट है. ठीक है, अब आपने हार्ड वर्क के साथ जो अभी आपने बात की थी ना, स्मार्ट वर्क भी करना है. ठीक है, स्मार्ट का मतलब क्या होता है? स्मार्ट का मतलब होता है स्पेसिफिक. व्हाट डू यू वांट टू डू? मेजरेबल, कि यही चीज और इतनी ही मुझे चाहिए और इतनी मैं अचीव करना चाहता हूँ. हाउ विल यू नो व्हेन यू हैव करेज? ठीक है, अचीवेबल, हर चीज अचीवेबल है. ठीक है, इज इट इन योर पावर टू अकम्प्लिश इट? इंसान के अंदर जितनी पावर है, मैं कहती हूँ कि अगर वो चांद पे जा सकता है, जहाज बना सकता है, तो वो सब कुछ कर सकता है. ठीक है, अपने अंदर इतनी पावर आपने लानी है, गोल कैसा भी होता है आप उसको अचीव कर सकते हो. हार्डवर्क डेफिनेटली होता है, उस टाइम के लिए वो हार्डवर्क लगता है. जब आप अचीव कर लेते हो तो देन यू विल से ओनली वन थिंग, आई डिड इट. रियलिस्टिक होना चाहिए, ये नहीं है कि आप इमेजिनरी वर्ल्ड में जो है वो बैठे और आप कहो कि मैं इस बिजनेस का पार्ट बनूंगा, एक साल के बाद मैं अपना जहाज खरीद लूंगा, एक साल के बाद मैं जो है वो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे बैठ जाऊंगा. तो ऐसी चीजें जो होती हैं वो रियलिस्टिक नहीं होती, वो इमेजिन में सिर्फ और ड्रीम्स में ही देखी जा सकती है, क्योंकि बन भी सकते हैं, बट ये कि ये ऐसी चीजें हैं जो कि अचीवेबल नहीं है. ठीक है, क्योंकि रियलिस्टिक जो लाइफ हमारी रियल लाइफ होती है उससे बहुत हटके होती है. तो इसलिए चीज वो आपने अपने माइंड में बनानी है, गोल वो आपने बनाना है जो कि आप इजीली जिसको अचीव भी कर सको. ठीक है, टाइमली, व्हेन एग्जैक्टली डू यू वांट टू अकम्प्लिश इट? अब आपका गोल है कि मैंने एक साल के बाद शादी करनी है तो मुझे इतना पैसा चाहिए, तो ये अब आपका गोल है. ठीक है, अब उस गोल पे आपने स्टिक हो जाना है कि मेरा ये गोल है, एक साल के बाद मैंने इस बिजनेस से इतना पैसा जनरेट करना ही करना है, क्योंकि मैंने शादी करनी है, या मैं अपनी बहन की शादी करनी है, या मैंने किसी बाहर की कंट्री में सेटल्ड होना है, मैंने कहीं स्टडी करने जाना है, मैंने अपने पेरेंट्स को हज करवाना है. तो वो आपने टाइम लिमिट अपनी लिख लेनी है कि इसके अंदर अंदर मुझे अचीव करना है. ठीक है, तो ये नीचे वही चीज अगेन डिस्कस हुई है, सेट योर गोल्स, लर्न अ न्यू स्किल्स. हमेशा डेली बेसिस पे कोशिश करें कि आप कुछ ना कुछ नया जिंदगी में जरूर सीखें. स्टार्ट नेटवर्किंग, रीड मोर, ज्यादा जितना सीखते हैं उतने अल्फाज जो हैं वो आपके माइंडसेट को चेंज करते हैं और आपके अंदर पावर लाते हैं. इम्प्रूव योर वर्क लाइफ बैलेंस, ये करना बहुत जरूरी है कि आप अपनी लाइफ को बैलेंस रखें. ठीक है, और चीजों को मैनेज करना जब आप सीख जाते हैं तो आप हर चीज कर सकते हैं. चैलेंज योर सेल्फ, इंसान की नेचर ऐसी है कि जब तक उसको नहीं चैलेंज मिलता तब
तब तक वो कुछ नहीं करता, क्योंकि हम इतने लेथार्जिक और लेजी लोग हैं कि चैलेंज जब तक हम खुद को नहीं देते हम कुछ नहीं कर पाते. वर्क ऑन योर वीकनेस, जितनी भी आपके अंदर वीकनेस है उन पर काम कर. इंसान अपनी वीकनेस को रियलाइज ही नहीं करता कि ये मेरी वीकनेस है, वो हमेशा उसको जो है दूसरों पर लगाने की कोशिश करता है. अपनी वीकनेस को फाइंड आउट करो और उन पर वर्क करो कि वो वीकनेस जो है आप उनको कैसे खत्म कर सकते हो. ऑर्गेनाइज रखो अपने आप को, अपने बिजनेस को, अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को, अपनी स्टडी को, हर चीज को ऑर्गेनाइज करना सीखो. कम्युनिकेट बेटर, ठीक है. कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ी पावर है. अगर यहाँ पे अगर मैं कहती हूँ कि एक मर्सिडीज है उस पर सेल लग गई है और वो 1 करोड़ की थी और अभी वो 1 लाख की है, तो क्या आप उस लिमिटेड टाइम ऑफर को एंजॉय नहीं करना चाहोगे या उसको अवेल नहीं करना चाहोगे? आप करोगे, डेफिनेटली करोगे. इसी तरह से इस बिजनेस का पार्ट बनने के लिए, हमारा जो कंपनी का पार्ट बन सकते थे, इससे पहले आपने एक कंपनी की एक पॉलिसी है कि आप इसका पार्ट बनने के लिए आपको एक बिजनेस बॉक्स लेना होता है, फिर आप इसका पार्ट बन सकते हैं. ये कंपनी जो इतने बड़े स्केल पे हो, आपको फ्री इस बिजनेस में क्यों एंटर होने देगी? एक बिजनेस बॉक्स जिसकी प्राइस 83,000 थी, अभी लिमिटेड टाइम के लिए उसकी प्राइस जो है वो 55,000 है, और उसको परचेज करते साथ ही वो आपकी इन्वेंट्री होती है आपके पास, वापस 5% डिस्काउंट के साथ आ जाती है. साथ ही आप इस बिजनेस के लिए, वेबसाइट के लिए, ट्रेनिंग्स के लिए, फेसबुक की, व्हाट्सएप की, हर चीज के लिए जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं और पूरे का पूरा बिजनेस आपको हैंड ओवर कर दिया जाता है. चैलेंज योर सेल्फ, विशियस होके जो है हर चीज करें. प्लेइंग फील्ड जो है उसमें एक फील्ड ऑर्गेनाइज खुद को करके उसमें प्ले करें, और उसके सोल्यूशन, कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है दुनिया में जिसका सोल्यूशन ना हो. हर चीज का सोल्यूशन इस दुनिया में अवेलेबल है. नंबर ऑफ अमाउंट्स रीडिंग, नो अमाउंट ऑफ आपको एक अपने डेली की जो रूटीन है उसके अंदर आप चीजें लिख लें कि आज आपने ये करना है, आज आपने ये करना है, आज आपने ये करना है, ठीक है. पैथ अपना जो है उसको डिसाइड करें कि आज ही यू ने डिसाइड और आप इसमें जंप इन करेंगे इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम. अगेन चिट चैट करेंगे किसी दिन. एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. डिसाइड टुडे, ज्वाइन दिस अपॉर्चुनिटी. इंशाल्लाह सी यू सून. टेक केयर, बाय बाय.